Welcome back to Unstable TV! And your true to Irish couple reacts. And do stay tuned because this happens every week. So if you're new here, don't forget to like, subscribe, comment, and hit the bell notification so you don't miss any of these videos. And if you're a returning viewer, thank you! Thanks for joining us for another react! So Danielle, what are we reacting to on Unstable TV? So today, we are going to be taking a look at Azadi, a tribute to India's great freedom fighters. And we know a lot of you have been asking us to react to this. Thanks again, everyone who did suggest. So we're just going to pop them all around. Holy heart of Jesus. Without further ado, we'll jump straight into the react. Let's go! A moment comes. Which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानियों की अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर पहली चिंगारी थी। Someone always has to stand up first. और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम, कहां मंजिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। वाओ, हम तो घर से ही दे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर हुए लो बढ़ चले हैं एक ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर के। और ब्रिटिश वन हाउ मच लाइक द मैट्रिक्स स्टफ गोइंग ऑन। Can you just chop his own hand off there? Yeah, because the point. Oh.
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। I love how rebellious the Indians were. Like, anything they gave forward to them, they just were like, now burn it and get rid of it. Yeah, well, you'd kind of have to, wouldn't you? Yeah. Like, if they didn't do that, then we wouldn't have a lot of stuff in the world now. Exactly. स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। Crop failures and increased taxes sounds like the famine. 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सहर उठी। खेच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। What the fish is now? Yeah, that's disgusting. स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं।
हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं, तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं, तलवार से और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव गाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलट कर वार नहीं किया। Can't really show just how powerful they were. Exactly. मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आवाहन के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। It was a very good transition into the speech. Jeez, that's off. This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. One day. What did the British soldiers expect? They weren't going to sit down and take it. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्ते लोगों पर गोलियां तक बरसाई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धड़कती लौ सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। A sight to behold. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. That was really cool. Big, big, massive shout out to the original creator. Make sure you go and subscribe to them. Well documented and well put together. Blown away by all the information given. And a big shout out to our suggestees. You guys did an amazing job suggesting this to us. Our eyes and our minds and our hearts are definitely more open after watching this. So what did you think of that, Daniel? I like the way they had the contrast between the cartoon and then fading into the actual clips that they had. Yeah. You know, everything was kept 100% accuracy of what happened, because it gives you a good picture of like the struggles that they had. Was it nearly 100 years? Yeah. Come on. Just the sacrifice and the commitment and the strong will of everyone in India coming together to break out of British rule. Obviously, we're not bashing it historically speaking, but we understand the bad blood and the tensions there. Like, a lot of people were commenting to us saying, you guys need to see this and see what's going on to understand just why we go as hard as we do in the comment section or forums or anything about there in India. Because yes, it is, as you can see, collectively as a people, all the Indian population came together to break out of this, either by sacrifice or through their own right. In one way, shape or form, every one of them broke out of this together. It's great that we're able to get these suggestions coming in and have more of an understanding about what actually happened from India's perspective, because if we didn't go looking for it, we wouldn't be able to find it. We appreciate every one of you guys telling us what's going on and sharing your history with us, as rich as the history is. It really is a big, big eye-opener after watching this, and how they truly did turn the darkness into light and a shining light at that. That was very inspirational to see and very uplifting and moving. Just go show, you never give up. Exactly. And we'll leave you with our two cents. So as always, you are the beautiful people of YouTube, and we have been Unstable TV.
So drop a comment below and let us know what you thought of this reaction video. And if you have any suggestions for us to do, let us know too. And as always, we will see you in the next one. Bye.